एक बार फिर से मेरे न्यूजीजन न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माह नवंबर का अलॉटमेंट आखिर सभी जिला को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। जो सभी ग्रुप में व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है उसका सत्यता क्या है, आखिर वह न्यूज सत्य है या झूठ है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। जैसा कि आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहे हैं कि एक मैसेज वायरल हो रहा है, मां नवंबर का अलॉटमेंट सभी जिला को भेज दिया गया है आज ही के डेट में, लेकिन बैंक बंद होने के कारण आज बैंक को राशि प्राप्त नहीं हुआ है। इससे संबंधित मैंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया तो मैंने अभी अभी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश अध्यक्ष पूरन कुमार सिंह जी से बात की। उनके द्वारा यह स्पष्ट कहा गया है कि सभी जिला को राशि भेज दिया गया है और भागलपुर जिला को राशि भी प्राप्त हो गया है, लेकिन मैंने उनका वॉयस लेने का प्रयास किया लेकिन उनके द्वारा वॉयस नहीं दिया गया क्योंकि उनके किसी साथी के पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है तो वह अभी अस्पताल में है, डॉक्टर के पास है, जिसके वजह से वो अपना वॉयस नहीं दे सके। लेकिन यह जानकारी सत्य है कि सभी जिला को राशि भेज दिया गया है और भागलपुर जिला का सोमवार से वेतन भुगतान की प्रक्रिया भी, कागजी प्रक्रिया भी चालू हो जाएगी। तो वीडियो में इतना ही, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक और करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।